नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग में और मैं हूं कृतिवारी। दोस्तों, वैक्सीनेटरों के लिए सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि 3-4 रुपये में उनका क्या होगा और इससे ज़्यादा जो है उनको मिलना नहीं है, तो उनके पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जॉब को करें या छोड़ दें। तो मैं सभी वैक्सीनेटर भाइयों को ये सलाह दूंगा कि अभी तो सरकार जो है इतना दे ही रही है, लेकिन भविष्य में जो है हो सकता है कि ज़्यादा भी मिलने लगे या फिर आप लोग सैलरी पर रख लिए जाएं, क्योंकि ज़रूरत तो हमेशा इसकी बनी रहेगी, टीकाकरण भी हमेशा होगा और ये 2024 तक इसको कंप्लीट करना है सरकार को, सभी पशुओं को टीकाकरण लगा करवाना है। तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है इस जॉब को और इस जॉब से आप लोगों को जुड़े रहना है। तो दोस्तों, एक समस्या और आ रही है कि ये कान में जब लगाया जाता है टैग लगाया जाता है तो पक जाता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी वैक्सीनेटर और सहायक की भर्ती आई हुई है उसमें कहीं ना कहीं पशुओं के कान जो है पक जा रहे हैं टैग लगाते समय, उसके बाद में पता नहीं क्यों पशुओं के कान जो है पक जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक दवा बताना चाहूँगा जिसमें आप हल्दी और तेल जो है लगवा दीजिए, तो इससे आपके पशुओं का कान जो है नहीं पकेगा।